स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में। तो दोस्तों IBPS प्यू मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अब सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी में खुद को इतना झोंक दो कि इंटरव्यू इस बार सिलेक्शन लेके रहना, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेके रहना। दोस्तों ये चीज़ वो नहीं है कि इसमें पजल सोल्व करनी है, वो सोल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है या फिर ये मेंस की तैयारी करनी है। ये अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है, लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है ये। और जिनका भी पहला एक्सपीरियंस है, मैं नीचे इसमें सारी प्लेलिस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों, जितनी अनिल अग्रवाल सर की और PD क्लासेस की, आपको कैसे इंट्रो देना है, कैसे सीट पर बैठना है, कैसे किस गेस्चर में रहना है, किस पोस्चर में रहना है, कैसे आपने स्माइल करनी है, किस टाइम पर करनी है, कौन सा सवाल पर स्माइल करनी है, कौन सा सवाल आप पे स्माइल नहीं करनी है, कौन सा जवाब सीरियसली देना है, कौन सा नहीं देना है, कैसे उनको हैंडल करना है, किस तरीके से आंखों में आंखें बात डाल के बात करनी है, एक अच्छे पर्सपेक्टिव बनाना है आप सभी लोगों को। तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने डाली, तो आप एक एक करके सारी प्लेलिस्ट दोस्तों देख सकते हो। मैंने सारे जो फॉर्मर जो पहले मतलब पुराने जो इंटरव्यू हुए हैं उन सब की मैंने प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काफ़ी बच्चों के उसमें एक्सपीरियंस है, तो आप उन एक्सपीरियंस से सीखना और हो सके तो अपने आसपास भी क्लासेस लगा लेना दोस्तों। अगर आपके आसपास क्लासेस नहीं है तो आप इनको देखना, ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है प्लेलिस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अगर आपके घर के आसपास कोई आपकी सिटी में कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराने वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप घर के सामने मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स के सामने भी, अपने यार दोस्त या अपने मम्मी पापा के सामने बैठ के भी आप मॉक की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सबसे यूनिक रहने वाला है ये पार्ट, जो इंटरव्यू का पार्ट है सबसे यूनिक रहने वाला है। और उसमें ये नहीं कि वो क्या पूछ ले, सवाल क्या पूछ ले, वो सब बंदे को देख के पहचान लेते हैं किससे क्या पूछना है, बाकी उनके मन की बात है। तो इसमें ये नहीं कि हाँ ये पजल सोल्व करनी, चलो पेन लेके बैठ जाओ उसको सोल्व कर दो, ये बहुत ही रोमांचक रहने वाला दोस्तों। इसको दोस्तों काफ़ी लोग ना नर्वस हो जाते हैं, मैं भी पहले इंटरव्यू में नर्वस हो गया था, दूसरे में मेरा बढ़िया हुआ था ठीक है, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ था। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मौका है और मौका छोड़ना नहीं है, ये लेके आना सिलेक्शन इस बार। और हमारी सबकी तरफ से और आप लोगों को जिनका भी इंटरव्यू है ना मेंस, जिनका फाइनल इंटरव्यू है, तो उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, फाड़ के आना है, बिल्कुल करके आना है, इस बार सिलेक्शन लेके आना है, कुछ भी हो जाए उन दिनों को याद कर लो दोस्तों, कहाँ से तैयारी शुरू कर दी और आज इस मुकाम पे पहुँच चुके कि फाइनल एक इंटरव्यू में, बस एक इंटरव्यू की कड़ी है बीच में, सिर्फ एक इंटरव्यू की कड़ी बीच में है, वहाँ पर सिलेक्शन लेना है, अपना बेस्ट देना है, कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं आता सर मैं समय लेना चाहूँगा, सर मेरे को ये नहीं पता है सॉरी, कॉन्फिडेंस से जवाब देना दोस्तों, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से। थोड़ा बहुत पढ़ लो, बजट के बारे में पढ़ लेना और पिछले एक दो महीने का करंट वगैरह पढ़ लो, वैसे करंट तो कोई पूछते नहीं है, और कुछ अपने आसपास की चीज़ें पढ़ लो। अगर आपका नाम यूनिक है, सबसे प्यारा आपका नाम है, तो उस नाम का मतलब आप जान पढ़ के जाना अच्छे से, और जवाब इस तरह से देना है कि रट्टी रटाई, कि हम रट्टी रटाई नहीं बोलना, कॉन्फिडेंस से जवाब देना है कुछ भी हो, खासकर लड़कियाँ को, क्योंकि लड़कियों का नाम बड़ा स्पेशल होता है तो, और बड़ा क्यूट सा भी होता है, तो आप अपने नाम का मतलब जरूर देखना, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियोस देखी हैं सबको मतलब मोस्टली सबसे ये पूछे कि आपके नाम का मतलब क्या है। तो दोस्तों मेरे भाइयों भी और बहनों भी, सब अपना बढ़िया बेस्ट ऑफ देना है, सबको फुल कॉन्फिडेंस से जवाब देना है बस, और करके आनी, फतेह करके आनी है बस इस बार। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिजल्ट स्कोर शो हो जाएंगे इसके, एक विद इन 7 डेज हो जाते हैं स्कोर, और इंटरव्यू कॉल लेटर जल्दी आ जाएगा एंड जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल में रिजल्ट आ ही रहा है एंड और अच्छी उम्मीदों के साथ मिलेंगे और ज़्यादा खुशियों के साथ, ये 1 अप्रैल का दिन होने वाला है दोस्तों। तो लगे रहे तैयारी में एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।